नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। सुप्रीम कोर्ट के केरल में सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूजा करने के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आपको अपवित्र करने का भी अधिकार प्राप्त है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ बोलने वाली कोई नहीं हूं, क्योंकि मैं एक कैबिनेट मंत्री हूं। लेकिन ये साधारण सी बात है, क्या आप महावारी के खून से सना नैपकिन लेकर चलेंगे और किसी दोस्त के घर में जाएंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि भगवान के घर ऐसे जाना सम्मानजनक है? यही फर्क है, मुझे पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का अधिकार नहीं है। यही फर्क है कि हमें इससे पहचानने तथा सम्मान करने की ज़रूरत है। स्मृति ईरानी के इस बयान से एक बात तो साफ होती है कि वो महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के खिलाफ हैं। अब ये बात दूसरी बात है कि वो खुद एक महिला होकर महिलाओं के अधिकारों की बात ना करके क्यों उनको ही अपवित्र कहने में लगी हुई हैं। वैसे स्मृति ईरानी कोई मामूली महिला नहीं है, वो मोदी सरकार के कैबिनेट में कपड़ा मंत्री हैं। इस लिहाज से ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। हालांकि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश होने से कोई बहुत अच्छा भला नहीं हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लिहाज से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी, क्योंकि हमारे देश का संविधान महिला हो या पुरुष दोनों को बराबरी का हक और अधिकार देता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस बयान पर सीनियर पत्रकार दिलीप मंडल अपनी फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि केंद्रीय मंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। हमने ये कैसे जोकरों की सरकार चुन ली है। जब कभी सरकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला गलत है तो उसके पास रिव्यू पिटीशन SLP दाखिल करने से लेकर संसद में कानून बनाने के रास्ते होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला समीक्षा के दायरे में है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन कोई कैबिनेट मंत्री संवैधानिक तरीके से उस फैसले को बदलने की जगह सार्वजनिक बकवास करे, ये आश्चर्यजनक है। वैसे स्मृति जी, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, तो क्या आप राज्यसभा महिलाओं का वहाँ जाना भी रुकवाएंगी? 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। वहीं फैसले के बाद 4 महिलाएं, जिनमें एक पत्रकार भी, जब वो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करने पहुंची तो मंदिर के पुजारी ने इसका विरोध किया। महिलाओं के घर पर भी तोड़फोड़ की गई। अब सवाल यह है कि औरतों को मंदिरों में जाने की जिद क्यों करनी चाहिए, और वो भी उन मंदिरों में जहां उनके प्रवेश का पुजारी ही विरोध कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में सीनियर पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि महिलाओं को ये समझना होगा कि उनकी मुक्ति आधुनिकता, लोकतंत्र और संविधान में है। आज भारत में जितनी लड़कियाँ पढ़ रही हैं और घर से बाहर निकल कर नौकरी या कोई और उत्पादक कार्य कर रही हैं, वो इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय संविधान ने उन्हें न सिर्फ पुरुषों के समान माना है बल्कि उनके लिए विशेष अधिकार भी दिए हैं। समानता के अधिकार के साथ संविधान विशेष अवसर के सिद्धांत को भी मान्यता देता है। लोकतंत्र की वजह से उनका वोट पुरुषों के वोट के बराबर है। वे लगभग हर वो काम कर सकती हैं और हर जगह पर जा सकती हैं जहां पुरुष जा सकते हैं। सेना में युद्धक भूमिकाओं में होने जैसे एकाध क्षेत्र अब भी पुरुषों के पास हैं, लेकिन बाकी दुनिया की तरह भारत में भी देर सवेर ऐसे मामलों में स्त्री पुरुष समानता आ जाएगी। वहीं बहुजन और महिलाओं के हक अधिकारों पर बेबाकी से लिखने वाली डॉक्टर मनीषा बांगर ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि महिलाओं और बहुजनों के आर्थिक और शारीरिक शोषण के ब्राह्मणी अड्डे हैं देश के मंदिर, उसमें प्रवेश के लिए आंदोलन चलाना महज वक्त और आत्मसम्मान की तबाही है। दरअसल महिलाओं ने खुद को ही वहाँ जाने से बैन करना चाहिए। वहाँ जो जोगनियाँ, देवदासियाँ फंसी पड़ी हैं उन्हें बाहर निकलना चाहिए। पड़े रहने दें खाली, सब मंदिरों को घास उग जाने दें, कुत्ते बिल्लियों को वहाँ अपने घर बनाने दें, स्मृति रानी की गायों को भी वहीं रहने दें, स्मृति रोज वहाँ जाएं उन्हें घास खिलाएं। और इससे ज़्यादा मंदिरों का कोई औचित्य नहीं है बहुजन और राष्ट्र के जीवन में।
बहरहाल इन सब चीज़ों के बाद ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसी मंदिर में महिलाओं के जाने पर विरोध क्यों हो रहा है, जब देश का संविधान सबको समान मानता है, जब सबको बराबरी के हक और अधिकार देता है, तो फिर धर्म के ठेकेदार महिलाओं के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हैं। फिलहाल प्राइम टाइम खबर में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।